इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार रात बूढ़ा तालाब विवेकानंद सरोवर पहुंचे थे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ लोक कला शिल्प संस्कार विक्रय सह प्रदर्शनी देखी। स्व सहायता समूह की महिलाओं की स्टॉल में रखे चाक को देखकर सीएम भूपेश बघेल अपने आप को नहीं रोक पाए। उन्होंने चाक पर अपने हाथों से दिया बनाया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कुम्हारों को उनके व्यवसाय को बढ़ावा देने वाली सुविधाएं प्रदान करने की बात भी कही। उन्होंने कुम्हारों से मिट्टी पर लगने वाले रॉयल्टी टैक्स को नहीं लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्व सहायता समूहों की महिलाओं, निशक्तों और कुम्हारों से बातचीत भी की। रायपुर जिले की बिहान समूह की महिलाएं न केवल मिट्टी और गोबर से बने आकर्षक दिए, मूर्तियां और पूजन सामग्री बना रही हैं, बल्कि वे विभिन्न प्रकार के साबुन, बेकरी, कुकीज और अचार जैसी दर्जनों अन्य सामग्री भी बना रही हैं। इन सामग्रियों को बनाने में गौधन न्याय योजना भी बेहद सार्थक साबित हो रहा है। स्टॉल में नारायणपुर के स्व सहायता समूह द्वारा बांस और बल्ब से बनाई गई रंग बिरंगी आकर्षक झालर, कोंडागांव स्व सहायता समूह द्वारा टेराकोट से बनाए गए कलात्मक दिए देखने को मिले।